हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट जो इस टाइम नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और जो आईआईटी मेंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट की, अगर आप पिछले सालों को देखें तो हार्डनेस से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है। तो जो स्टूडेंट इस टाइम नीट और आईआईटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो इस टाइप के लेवल को जरूर टच करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस की, और उसके बाद हम बात करेंगे किस किस टर्म में हम हार्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पीपीएम, मिलीग्राम पर लीटर, क्लार्क, फ्रेंच, और इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को हम रेफरेंस कंपाउंड क्यों मानते हैं, और फिर हम न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स करेंगे कि कैसे हम क्विक फटाफट इन न्यूमेरिकल्स को कम से कम टाइम में सोल्व कर सके, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम जल्दी में क्विक में फटाफट क्या करेंगे स्टूडेंट, सोल्व करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस निकालने के ऊपर भी न्यूमेरिकल है, और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार किसी भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पूछे जा रहे हैं। अभी मैं 2019 जेई मेंस की बात करूँ तो ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाद में आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया है कि किस टाइप से आपको कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन भी इस असाइनमेंट में आपको क्या है स्टूडेंट अवेलेबल हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ लिंक से इसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको लगता है डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होती है, पहले इससे पहले मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं, हार्ड वाटर क्या होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होती है और परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है। रिकॉल कर देता हूं स्टूडेंट, टेम्परेरी हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के साथ, और अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें वो सल्फेट और क्लोराइड्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करते हैं। उसके अलावा एल्यूमिनियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, और हैवी मेटल्स को भी हम लेते हैं। तो बात करें डिग्री ऑफ हार्डनेस, कितने हार्डनेस है, यानी हम आपके जो आपको गिवन सैंपल है वाटर का उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करें डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या करता है स्टूडेंट। डिग्री ऑफ हार्डनेस स्टूडेंट हमें क्या बताता है कि जो भी आपको गिवन सैंपल है वाटर का उसके अंदर कितने एक्सटेंट में हार्डनेस हो रखी है वो हमें डिग्री ऑफ हार्डनेस से पता चलेगा। यानी 150 पीपीएम है, 200 पीपीएम है, तो कितनी हार्डनेस है हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस से। इसको एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग यूनिट है। सबसे पहली यूनिट की बात करें तो हम पीपीएम की बात करते हैं, तो वो कहता है इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टू आर हार्डनेस काजिंग सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट को बाकी अदर सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं हार्डनेस क्रिएट करते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, उनके साथ हम इक्विवेलेंट लेंगे। किसका लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या निकालेंगे? मिलीग्राम। कितने में? 1 मिलियन मिलीग्राम ऑफ वाटर। और सिंपली टर्म में बात करें तो 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10^6 मिलीग्राम ऑफ वाटर सैंपल, जो भी वाटर का सैंपल होगा। और अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो ये क्या कह रहा है? पीपीएम, यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो एक तो ये टेक्निक है पीपीएम के फॉर्म में हम निकालते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, सेकंड जो टर्म हम एक्सप्रेस करते हैं वो करते हैं मिलीग्राम पर लीटर, तो उसी की सेंस में हम इसे बोल सकते हैं इट इज एक्सप्रेस है वेट ऑफ मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टू आल हार्डनेस काजिंग सब्सटेंस इन 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें स्टूडेंट तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन, यानी वाटर जो हम ले रहे हैं उसके 1 लीटर में कितने मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। दिस इज इक्वल टू पीपीएम। कैसे? अगर हम 1 लीटर की बात करते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है? 1000 ml। और अगर हम इसको 1000 ml को क्या लिख सकते हैं? 10^3 ml की जगह क्या लिख सकता हूँ? ग्राम। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि डेंसिटी जो वाटर की है वो क्या है? 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर cc या 1 ग्राम पर cm³ एक ही बात होती है। तो हम 10^3 ग्राम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कह रहा हूँ 10^6 मिलीग्राम, तो अब ध्यान से देखिए इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10^6 × 10^-3 ग्राम, यानी आपके पास क्या आ गया? 10^3 ग्राम। तो 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिफरेंट यूनिट्स टू एक्सप्रेस डिग्री ऑफ हार्डनेस, पीपीएम की बात कर चुके हैं, मिलीग्राम पर लीटर की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, डिग्री क्लार्क, तो ये एक और यूनिट है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं। और उससे नेक्स्ट जो है वो क्या है स्टूडेंट, डिग्री फ्रेंच। तो ये हमारे पास फोर यूनिट्स हैं एक्सप्रेस करने के लिए। डिग्री क्लार्क क्या होता है स्टूडेंट, उसको समझ लेते हैं। तो क्या होता है, ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी हम जो कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, पहले हम मिलीग्राम में ले रहे थे, यहां पे ग्राम में लेंगे, इन 70,000 ग्राम ऑफ वाटर सैंपल, जो वाटर का आपको सैंपल दिया हुआ उसके 70,000 ग्राम के अंदर कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ये होता है डिग्री क्लार्क। इसी तरह डिग्री फ्रेंच की बात करें, अगेन ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपका ग्राम में होगा, कितने में, इन 10^5 ग्राम ऑफ वाटर सैंपल। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब इन अगर चारों यूनिट को मैं अगर रिलेशन निकालने की बात करूं तो इसका रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट, वो देख लेते हैं हम। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 ppm इक्वल टू 1 mg पर लीटर इक्वल टू, जब क्लार्क की सेंस में लिखेंगे तो 0.07 ppm और इसके सेंस में लिखेंगे तो 0.1 फ्रेंच, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, डिग्री क्लार्क और डिग्री फ्रेंच। तो ये हमारे यूनिट्स होते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 ppm जो है 1 मिलीग्राम पर लीटर है, 0.07 डिग्री क्लार्क है और 0.1 डिग्री फ्रेंच है। तो ये आप याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को ही एज ए रेफरेंस ऑफ हार्डनेस क्यों लेते हैं, रेफरेंस यानी हार्ड डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्यों ले रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट की, स्टेबल है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, मगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो बनता है वो प्योर फॉर्म में बनता है। इवन हम कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके डिल्यूट HCl के अंदर डिजोल्व करके हम एक नॉन हार्ड स्टैंडर्ड वाटर भी हम क्या बना सकते हैं। अगर मुझे नॉन स्टैंडर्ड हार्ड वाटर चाहिए तो वो भी हम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है, इनसोल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्युबल नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसका मोलिकुलर वेट क्या है, 100 है, जिससे कि जो कैलकुलेशन पार्ट है भी आप देखेंगे वो काफी इजी हो जाते हैं। तो इसलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को एज ए रेफरेंस लेके चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आप देख सकते हैं। पहले हम सिंपल पार्ट करेंगे फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे। सबसे सिंपल जो न्यूमेरिकल आएंगे कि आपको मोलैरिटी गिवन होगी किसी भी सब्सटेंस की वाटर के अंदर, वो कहेंगे कि हार्डनेस कैलकुलेट करो। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूले हैं स्टूडेंट, आपको याद रखने पड़ेंगे कि आपके हार्डनेस इन पीपीएम में निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या याद रखना है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी इंटू 50,000। और अगर आपको जो डाटा गिवन है सपोज करिए नॉर्मेलिटी में गिवन है, तब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू 50,000। अब आपको वैलेंसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये आपका आंसर। अब जैसे हमारे पास गिवन क्वेश्चन है ये मोलैरिटी में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मोलैरिटी कितनी है 10^-2, वैलेंसी कितनी है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है तो वैलेंसी 3 होगी और 50,000। अब आप इसको स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1500 ppm आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्विक फटाफट अगर आपका फॉर्मूला याद है तो आपने 10^-2 वैलेंसी 3 है, 50,000 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ गया, यानी कुछ ही सेकंड में आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगला आप तुरंत अपने आप करिए तो आप कहें सर इसमें क्या है 10^-2 इंटू 50,000, तो अब आपको पता है आपका आंसर क्या हो जाएगा, 500 ppm। कितना टाइम लगा आप देख सकते हैं, तो क्विक आंसर आप दे सकते हैं। इसी तरह आपको 0.01 मोलर कैल्शियम कार्बोनेट अगर गिवन है, वही बात 10^-2 2 वैलेंसी है और आपको क्या दे रखा है 50,000, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप देख सकते हैं 1000 ppm। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट आंसर है। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी आप इन कैलकुलेशन को सोल्व कर रहे हैं। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा उल्टा करते हैं क्वेश्चन कि आपको हार्डनेस गिवन है और कह रहा है मोलैरिटी बताइए। अगेन अब आपको फार्मूला क्या कर देना है, अब आपको हार्डनेस पता है, मोलैरिटी निकालनी है, वैलेंसी हम जब इस टाइप से कह रहे हैं तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं तो 2 × 50,000। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम बिल्कुल सिंपल अगर कैलकुलेशन करें
तो जो मोलैरिटी है मेरे पास 1/100 यानी 10^-2 मोलर आ जाएगी। तो बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को क्या है स्टूडेंट कर सकते हैं। मोलैरिटी आपकी 10^-2 मोलर है। नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मगर इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक सैंपल गिवन है, उसमें हर एक चीज गिवन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस निकालनी है, परमानेंट हार्डनेस निकालनी है, टोटल हार्डनेस निकालनी है। और वाटर के सैंपल में क्या क्या गिवन है सब कुछ दे दिया। मैग्नीशियम कार्बोनेट 73 मिलीग्राम पर लीटर है जो वाटर सैंपल है। कैल्शियम क्लोराइड 11111 मिलीग्राम है। कैल्शियम सल्फेट 136 है। सिलिका जो है 10 मिलीग्राम है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट 162 है। मैग्नीशियम क्लोराइड 95 और मैग्नीशियम 100। अब एक पॉइंट और भी याद रखना स्टूडेंट, क्या ये सारे सब्सटेंस जो है हार्डनेस में पार्टिसिपेट करते हैं? तो आपको कुछ पॉइंट पता है, जैसे NaCl है, NaCl की वजह से हार्डनेस नहीं आती, तो इसलिए NaCl हार्डनेस में रोल प्ले नहीं करेगा। इसी तरह सिलिका की वजह से भी हार्डनेस नहीं आती। अब हमें पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, अगर ये सब्सटेंस है, इनके जो क्लोराइड है, सल्फेट है और बाइकार्बोनेट है, केवल यही क्या करते हैं, हार्डनेस करते हैं। तो उनको मैंने कंसिडर कर लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसको पहले हम थोड़ा जगह बना लेते हैं। तो स्टूडेंट जब भी आपको इस टाइप का डाटा गिवन हो तो आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि टोटल हार्डनेस इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, समेशन ऑफ मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। कौन कर रहा है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मास आपको कितना गिवन है स्टूडेंट, आप देख लीजिए। तो आप कहेंगे सर इसका मास मुझे गिवन है 73 मिलीग्राम, तो हम क्या कहेंगे 73 आ गया इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है 100 और वैलेंसी अपॉन वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होती है 2। और इसी तरह मोलिकुलर वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और इसका जब आप मास निकालेंगे स्टूडेंट ये 146 आएगा। तो 146 डिवाइड किससे कर देंगे हम, वैलेंसी से। वैलेंसी कितनी होगी, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, तो डिवाइड हम कर देंगे 2 से। ये प्लस, ये केवल एक सब्सटेंस है। अब अगला लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का वेट कितना गिवन है, 111 × 100/2 अपॉन मोलिकुलर मास की बात है, कैल्शियम क्लोराइड का मास क्या आता है 111 और वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट 2। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आराम से ये डाटा पुट कर दिया। अब नेक्स्ट हम बात करें क्या है स्टूडेंट प्लस, इसी तरह हम कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो कितना मास गिवन है 136 × 100/2 अपॉन, इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे तो स्टूडेंट 136 ही आएगा और डिवाइड बाय वैलेंसी 2। प्लस हम करें सिलिका को लेंगे नहीं क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करता। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो आपको कितना मास गिवन है 162 × 100/2 अपॉन, इसका मोलिकुलर मास भी 162 आता है, डिवाइड बाय वैलेंसी 2। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो इसी के साथ प्लस करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड का मास कितना गिवन है 95 × 100/2 अपॉन, इसका मोलिकुलर मास कितना आता है स्टूडेंट 95 और वैलेंसी कितनी है 2। तो आपने इस तरह क्या किया स्टूडेंट, इस सबको सोल्व कर लिया। अब इसी को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, और जब आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट सारा का सारा, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 50+ ये क्या आएगा 100, अगला भी क्या आएगा 100, उससे अगला भी क्या है 100+100, तो ये हमारे पास जो टोटल आ गया स्टूडेंट वो आ गया 450 ppm। जो 450 ppm आया ये हमारा टोटल हार्डनेस है, ये क्या है हमारे पास टोटल हार्डनेस। अभी मैं आपको कह था मुझे टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से आ रही है। तो टेम्परेरी हार्डनेस आ रही है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से, और दूसरी आ रही है मैग्नीशियम कार्बोनेट के। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से जो हार्डनेस है वो हमें पता है कितनी है। टेम्परेरी हार्डनेस की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या हो जाएगी 50 और बाद में क्या है 100, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 150। और अगर मुझे परमानेंट हार्डनेस निकालनी है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 450 में से टोटल में से 150 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 ppm हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है। तो इस तरह बड़े आराम से कोई भी, यानी आपको टोटल हार्डनेस निकालनी है, टेम्परेरी निकालनी है, परमानेंट निकालनी है, वो सारी टेक्निक मैंने आपको सिखा दी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है जो, और
अगर हम बात करें नीट में आईआईटी में तो इस लेवल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को सिंपलीफाई में, क्योंकि बता रहा था कि आपका ज्यादा समय स्टूडेंट ना लगे। पहली बात तो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, 1 लीटर ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग 2 मिलीग्राम ऑफ, 2 मिलीग्राम आपको गिवन है किसका, कैल्शियम क्लोराइड का, और 4 मिलीग्राम किसका गिवन है स्टूडेंट, मैग्नीशियम क्लोराइड का। डिटरमिन द हार्डनेस इन टर्म ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर 10^6 पार्ट ऑफ द वाटर बाय मास। तो जब भी स्टूडेंट आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको सिंपल टेक्निक याद करनी है। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है स्टूडेंट, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या कहता है कि हमको जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को किसके साथ कोरिलेट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड को हमें किसके साथ कोरिलेट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड इक्विवेलेंट किसके साथ है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का फार्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसके, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब कैल्शियम क्लोराइड का वेट कितना गिवन है आपको, 2 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम में पहली बात तो कन्वर्ट करोगे किसमें, ग्राम में, 10^2 × 10^-3। क्यों किया, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट हम ग्राम में लेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड की बात करें स्टूडेंट, इसका मास आप निकालते हैं, मोलिकुलर मास क्या है, 111, और इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वैलेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 111/2। और वेट की बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, नहीं पता, यही मुझे कैलकुलेट करना है, और इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो 100/2। अब यहां से 2 से 2 हट जाएगा स्टूडेंट, और अगर हम एक्स की बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 × 10^-3 अपॉन 111। और अब इसको आप फटाफट में सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट, ये सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.8 × 10^-3। आपका एक्स है ये किसमें आएगा, ग्राम में, तो ये मेरे पास ग्राम में अमाउंट आ गया। अभी इसी तरह हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड के रिस्पेक्ट में हम कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालेंगे। चल दोबारा करते हैं, चलो देखते हैं क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड किसको इक्विवेलेंट कर रहे हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के मास की बात करें कितना गिवन है स्टूडेंट, 4 × 10^-3। और मोलिकुलर वेट की बात निकाले तो मैग्नीशियम क्लोराइड को जब आप सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट 95 आ जाए, 95/2, और किसके इक्वल कर देंगे, वेट अपॉन इसका क्या है, 100/2। अब आपको पता है मैंने 2 से 2 कर दिया, यहाँ पे 4 से कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 400 × 10^-3/95। ये मेरे पास एक्स आ गया, और एक्स जब आप इसको सोल्व करें स्टूडेंट 95 से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4.2 × 10^-3। अब ये देखिए, ये आपके पास ग्राम आया है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम क्लोराइड, और 1.8 × 10^-3 का कैल्शियम कार्बोनेट का वेट आया विद रिस्पेक्ट टू क्या है हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड। तो टोटल वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया स्टूडेंट, तो आप कहेंगे 1.8 + 4.2 × 10^-3, या हम कह देंगे 6.0 × 10^-3 ग्राम। अभी आपके पास ग्राम में आ गया, कितना सैंपल गिवन है स्टूडेंट, 1 लीटर, यानी 1 लीटर में आपके पास 6 × 10^-3 ग्राम है, और इसी को अगर मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये 6 mg/L आपका आ गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड 6 ppm। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम को हम एक बार लिख सकते हैं, क्यों कर सकते हो, सारा एक्सप्लेन किया। तो इस तरह बड़े आराम से इन कैलकुलेशन को कर सकते हैं स्टूडेंट, आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ताकि आप इसे बाद में आराम से बैठ के देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अब आपको टेक्निक समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जेई मेंस 2019 में आया हुआ है। द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 10^-3 मोलर कैल्शियम सल्फेट, आपको क्या गिवन है, 10^-3 मोलर कैल्शियम सल्फेट। अगर 10^-3 मोलर कैल्शियम सल्फेट है स्टूडेंट, तो मैंने अभी आपको बताया था जब इक्विवेलेंट की बात करेंगे और वैलेंसी सेम हो तो जो इक्विवेलेंट है वो तो सेम होते हैं, मोल्स भी सेम होते हैं, तो आपके पास 10^-3 मोलर
कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। और अगर ये 10^-3 है तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने हार्डनेस का फार्मूला बताया था पीपीएम में निकालने के लिए, क्या मोलैरिटी इंटू वैलेंसी इंटू 50,000। तो मोलैरिटी आपको गिवन है 10^-3, वैलेंसी 2 × 50,000। तो ये आप सोल्व करेंगे तो आपका 100 ppm आ जाएगा और आपके जो है चार ऑप्शन है उनमें से बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी क्विक कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये असाइनमेंट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इसमें से कुछ आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जितने भी हार्ड वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो असाइनमेंट में आपको प्रोवाइड किए गए, आंसर भी गिवन है, आप इनको देख लेंगे और कहीं भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेंगे। ये जेई मेंस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, सब्जेक्टिव टॉपिक के ऊपर है, जो कि अगली वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि आया हुआ है कि टेम्परेरी हार्डनेस के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे आपने जब पढ़ लेंगे, अभी मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको नहीं पढ़ाया, क्लार्क मेथड आप वहां पे इसे क्या कर देंगे टिक कर देंगे, बिल्कुल इजी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप सोल्व करिए और जो डाउट आपको लगता है कमेंट बॉक्स में आप नंबर देके बताएंगे कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवरअप करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना जो कमेंट बॉक्स में है स्टूडेंट उसमें अपने कमेंट आप मेंशन करें, किन टॉपिक से के ऊपर आप वीडियो और चाहते हैं वो भी इस चैनल में आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताएं ताकि मैं उनके ऊपर वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।